प्रॉब्लम ये है कि हम सब जीनियस हैं, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हमें किसी की सुननी ही नहीं है। सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देखने, लेकिन जब 2 हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पे जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशन, रिपोर्ट, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। सालों जब मीटिंग में फोन नीचे छुपा छुपा के टिकटॉक इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलके संभाल लेंगे। और जो लोग पार्क में वॉक करने के लिए निकल लिए ना, फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, टर्फ पे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं चालू हो गई हैं, कुछ तो शर्म कर लो। आईपीएल, प्रीमियर लीग, एनबीए, F1, कॉलेज, स्कूल सब बंद हो गए। अरे भाई पिक्चरों की रिलीजें रुक गई हैं, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट्स पब वाले टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा, या इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट्स 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। अरे निब्बा निब्बियो, एक एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। फिल्टर लगा लगा के अपने फोटोज पे कैप्शन डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज, न्यूटेलास, फ्रोजन योगर्ट हेल्पिंग मी बीट दिस कोरोना स्ट्रेस। अरे असली कोरोना स्ट्रेस तो शुरू भी नहीं हुआ है, Phase 3 पहुंच गया ना एक बार, तो उसी फोन पे गूगल करके देख लो, चाइना और इटली की न्यूज देख लो, समझ में आ जाएगा कोरोना का स्ट्रेस होता क्या है। जब मोदी जी बोल रहे हैं, ट्रंप भाई साहब बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो सुन लो ना, इनको आता है। डॉक्टर फौकी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वायरसों का, वो भी बोल रहा है कि अगर ओवर रिएक्शन भी लग रहा है ना तो भी घर बैठो। और यहाँ लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के आ रहे हैं जूहू बीच पर पाव भाजी खाने। फौकी देख लेगा ना तो नौकरी छोड़ देगा, डिप्रेशन में आ जाएगा बेचारा, और यही करते रहे ना तो ट्रेनें भी बंद हो जाएंगी। इटली वीडियो बना बना के भेज रहा था दुनिया को कि उन लोगों को बता पाए कि इन लोगों ने 10 दिन तक क्या गलतियां की। हम वही कर रहे हैं अभी। दोस्त फोन करके ड्राइव पे जाने के लिए बोले ना तो उसको भर भर के गाली दो, खुद भी बैठो और सबको बोलो घर बैठे अपने अपने, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको बताते जाओ जब तक कि गवर्नमेंट कोई गुड न्यूज नहीं बताती। इलाज बन रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल में जा चुके हैं, सब पे एक साथ आई है मुसीबत, सब एक साथ मिलेंगे तो निकल जाएंगे इसमें से। खुद पे और दूसरों पे भरोसा करो ना, प्लीज पार्टी मत करो ना, ट्रैवल मत करो ना, लोगों को मत मिलो ना, नेटफ्लिक्स अकेले करो ना, घर से काम करो ना, घर पे काम करो ना, घर के काम करो ना, अभी शादी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, मेडिटेट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, हैंड वॉश करो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, GF BF को अभी मत मिलो ना, नमस्ते करो ना, सबसे दूर रहो ना, करो ना, स्टॉप करो ना।